अपने ध्यान दे के सुनना। रेडी जे सुन ली तो प्रभु रेडी जे तुहानू ब्लेस करने वास्ते। पहला जिहड़ा मेरा टॉपिक आ ये बच्चों ते आ लिखिया ताड़ अते छिट्टी बुद्ध दिंदी हन। ताड़ अते छिट्टी की करदियां मतलब ताड़ ते डंडा की देंदा। हालेलुया जिहड़ियां भैणां विच गल्लां करनियां तुसीं रुक जाओ भैणों हाथ जोड़ देना। थोड़ा कैमरा छड्ड के तू साइड ते जाणो कैमरा मेरे ते आ ना तू साइड चले जाओ थोड़ा जा दो सेकंड मैंने अगले बन्ने वेखण दो की होण डिया माहौल का भी पता लगे ना कुछ सुन भी डिया कि बाकी वो विच वो दूजा नहीं वह दाल फुलियां चलन डियां विच दाल फुलियां ने बचा देना बस सानू। ओ भरा मेरे हो जो चर्च आते सीरीयस होया करो तुहानू पता खदा अज मैं कई बार बोलदा एक बंदा 200 की स्पीड से गड्डी चलाउंदा 200 की स्पीड से गड्डी चल रही है इत्थे सुई जाण डी आ वो कदी बारी आ नू वेख सकदा बोलो की होएगा जे वेखेगा दे की होएगा की ते फिर तुसीं क्यों एक्सीडेंट करवाउणा चाहुंदे जे इधर उधर वेखे ये भी तो एक्सीडेंट ही होण डिया जिहड़ा विच गल्लां वेखो तुसीं परमेश्वर के घर आए जे प्रभु तुहानू हफ्ते बाद मिलाउंदा अपने दासां नाल कि तुसीं प्रभु के घर चो तो बहुत सारी आशीष करो तो जे आपां गल्लां गुल्लां करके घर चल गए तो फिर उहदा कोई भी फायदा। मैं बार बार जिहड़ी गल ते ध्यान देना वेलो इन्हां नूं किन्नियां झिड़कां वज्जदियां सारे नूं क्योंकि गलत हो रहा काम। जिहड़ा बंदा कवैर च आ भावें उह कलीसिया भी आ जे 2-2.5 घंटे प्रेयर करके चर्च च नहीं आउंदा तो समझ लो लैणा मुश्किल की आ बोलते नहीं लैना मुश्किल हो जाएगा जिन्हें लोग इदा खुदा कुछ नहीं दिता। तुहानू पता सवेरे तो चर्च जाना किन्ने लोग रात 12 to 2 की प्रेयर के बैठे रात की प्रेयर किन्ने लोग करके एक भैन दा तकड़ होर कोई 2, 3, 4 होर कोई भी वेख लो फिर डीकन ने गवाही बना दे प्रभु प्रभु कहता रात ने मेरे वाल ध्यान ही नहीं दिता मैं गवाही की बनावा दी। दैनियल दे विच सब तो बेस्ट गल की सी कोई दस सकदा दैनियल दे विच सब तो बेस्ट गल केड़ी सी कोई दसेगा भाई थोड़ा मेरा म्यूजिक लगा दी अभिषेक हैवन किन्ने लोग सुन रहे हैं। मैं क्या दैनियल विच बेस्ट गल केड़ी सी जिहड़ी प्रभु नूं सब तो ज्यादा बड़ी वधिया लगदी पहले पहले उपर पहले फस्ट वाला ही हालेलुया किन्ने लोग सुनदे आ भाई अगे हैगे जे जिंदे जिंदे जे तो बोलते क्यों नहीं जे मैं तुम्हें पूछन दिया मेरे जीजो दैनियल विच सब तो बेस्ट गल केड़ी सी एक हथ खड़ाया 2 होए 3 हाँ जी भैन जी ने बोला कि 3 टाइम प्रार्थना करता सी और बिल्कुल राइट आ बिल्कुल वेखो जेडे बाइबल पढ़ते आ जेडे सीरियस हो के सुनते आ तो नौकरियां दे भी उन्हें लगना जे जिहड़े गए कई कहिंदे ओ अहीं ते घा खोदन वाले हाँ अहीं ते घा ही खोदना क्योंकि सोच केड़ी आ बाइबल च लिखा जो तू सोचा हो तेरे वास्ते अहीं कितों ठीक होना प्रभु कहिंदा ठीक है तू ठीक नहीं होना सोच है ना साडी जे नैगेटिविटी चाहोगे तो नैगेटिविटी च रहोगे। जिहड़े बंदे नूं पता कि मैं विश्वास करना कि अज खुदा दे दास ने एक परफेक्टिकल वर्ड देना मैं उहदे उत्ते काम करना मैं अगले संडे नच के गवाही देने वास्ते आना फेत है ना उहदा फेत विच विश्वास। जे तुहानू इह नहीं पता मैं जाना वा कुछ करना वा मतलब कि इत्थों दी मैं ताली दी गल नहीं करदा इत्थे ते सारे मारदे आ एक एक जिहड़ा स्पिरिचुअल बंदा ना उहदी परख उहदे घर जा के हुंदी किन्ने लोग सुणदे आ उहदे घर जाके पता लगता आत्मिक बंदे का भंगड़ा सारे पाउंदे आ जदों तुसीं घर जाओगे उहदियां गल्लां तों पता लगेगा भी नौ हाडी वाह सस की बड़ी सोहनी इज्जत करती है बड़ा उहनूं टाइम सिर चाय दिंदी आ सब को फड़ाउंदी आ तो नचदी भी आ किन्ने लोग सुणदे भंगड़े पाउंदे नाल आपां धार्मिक नहीं आ साडी धार्मिकता का पता लगता जदों अहीं घर जाके सुणदे हाँ जी नौ आया करती है फलाणा आया करता सस आया करती क्यों। मैं तां ही कह रहा कि अपने विचों पहले छोटियां छोटियां लूमड़ियां फड़ो जिहड़ा तुहाडे अंगूरी बागां दा की करदियां हुण मैं ते बोली जांदा दानियल च की गल सी हुण जिन्हें बाइबल ही नहीं पढ़ी जिन्हें कदी वचन ही नहीं पढ़िया जिन्हें कदी वीडियो नहीं अपने दास दी वेखी उहनूं की पता दानियल कौन सी हुण आ कोई पता नहीं कित्थों होणा कि पिंड दा पता नहीं ना ते जिहनूं दानियल दा पता नहीं उहनूं प्रभु दा भी पता नहीं जिहड़े लोग सुणदे आ समझ आ रही। जे तू सीरीयस नहीं ना अपने प्रभु दे वास्ते तो फिर समझ लो भी डुबे पे आप पता नहीं कितों शैतान आएगा साडी आशीष नूं चुरा के लै जाएगा
सुते रह जाएंगे सुते हुए आलू जगाउन यीशु दे बेचारा रोज ही जगाउंदा पर अहीं नहीं जागना चाहते पाप चो निकलना नहीं चाहते सब तो पहले मैं जिहड़ी आयत नूं कंप्लीट कर रहा कि अज झिड़का क्यों बार बार वजदियां उहदा कारण की है लिखिया ताड़ अते शिटी बुद्ध देंदियां हन पर जिहड़े बालक बेमुहारे छड्डे जांदे हन उह अपने मां प्यो लई नमोशी लिआउंदे लिआउंदा है किन्ने लोकां नूं समझ लगी आ लिखिया जे झिड़क पैंदी आ ते डंडा वजदा वा तो बुद्धि देंदा हालेलुया मैं गलत तो नहीं कर रहा अगली साइड से किसी को गुस्सा नहीं लग रहा हमें बच्चों बड़े दबके मारता ये बच्चे ताडे घट है तो हटे जाते जी क्योंकि तो तुम तो जन्म दे के छड़ता वा इन्होंने स्वर्ग में लै के रहना किन्ने लोग सुनते हैं फिर ताडे नो वध साडा इन्हां दे उपर की जे है कि नहीं क्यों भी हुण इह जगत की लिखिया किन्ने लोगों को समझ आई पहले हाथ लो जिन्हां नूं समझ लगी आ लिखिया ताड़ ताड़ का मतलब झिड़क झिड़कना किता वा स्पिरिचुअल तरीके ना वो नहीं भी बड़िया बड़िया गंद दिया गाला कटे तो फिर वो झिड़क है वो झिड़क नहीं आ वो समझ लो बंदा आप ही बुद्धिहीन है गाला कट कट जो दूजे सिखा गाला नहीं लिखिया ताड़ ते शिटी शिटी में सोटी पुत देंदियां हन पर जेड़ा बालक बेमुहारे छड़े जाते बेमुहारे का मतलब कोई वो ध्यान नहीं दे दिया अज आप अपने बच्चों रोकते नहीं आ पहले छोटी छोटिया चोरिया करते हैं आप ध्यान नहीं देंगे एक दिन गैंगस्टर बन जाते चोर बन जाते कारण की आप ध्यान ही कुड़ी वाल ध्यान नहीं दिता मुंडे वाल ध्यान नहीं मारिया इस करके मेरे भैन भरा जड़िया इन्होंने झिड़क फिर इन्हों पता नहीं बुद्धि हैगी कि नहीं हैगी पर जो मैं बाइबल चो सिखता मैं उही कहना मैं तगड़ा लिहाज करदा जा तो इन्हें भी मैं अपने बड़ा गोदी से चुके उन्होंने लड्डू खवा दिया इन्होंने झिड़का पैनी है सब तो ज्यादा उन्होंने पैदा रोज सवेरे भी शामी भी दाऊद की कहता आंदा प्रभु तू मैनू तीन टाइम ताड़ना करता प्रभु सानू क्यों झिड़कता कई रोंग साइड से की होइए समझ आई वो कुड़ी मैग फड़ के होर बन्ने वेखी जान दी है ते भजन किते जान दिया सानू नहीं मजा आंदा तू जिहड़े ऑडियंस नू उहनू की मजा आएगा जो वर्शिप करनी बिल्कुल तुसीं फ्री होना चाहते तुहाडे ते कोई बोझ नहीं होना चाहिए कोई घर का बोझ नहीं अज किन्ने दी ना लैके प्रोफेसी प्रभु ने की घर के ख्याल छड्डो छड्ड दो इन्हां नू देखो घर के ख्याल तुहानू ब्लैस नहीं करनगे जे तुसीं बाइबल पढ़ के उन्हां चीज़ां के उपर काम करोगे तो तुसीं वड्डी गवाही देण वास्ते वापस आओगे तो जे हाए ओ मर गए हाए लुट्टे गए हाए ओ मर गया हाए ओ आ नहीं होंडिया परमेश्वर ने कड़ाई नहीं होना क्योंकि अपनी कदी भी उस चीज़ को अगे ना रखो मैं तुहानू कई बार कहना प्रभु के घर में आने के उन्होंने कहने की लड़ नहीं प्रभु आ कर प्रभु कहता मेरा वचन पढ़ गाला छड कंदे रिश्ते छड प्रेयर करनी शुरू कर दूसरे से दया करनी शुरू कर मैं तेन एक वड्डी गवाही दे नाल वापस लैके गया आ रहा ना आप गाला छड़निया ना आप चुगली छड़नी ना आप बुरा बोलना छड़ना भी जिद्दी दी भैन दी पास्टर दी भी करी लेनी है तो परमेश्वर ने की तुहानू देना बाइबल दे विच लिखा तुसीं अपने मूँह तो ही धर्मी बनदे ते अपने मूँह तो एक धर्मी की आ हालेलुया मूँह तो धर्मी ते मूँह तो ही कधर्मी मतलब पापी भी साडा मूँह ही बनाउंदा ते साडा मूँह जदों अहीं अच्छा बोलदे आ उहनूं ब्लेस करदा हुण किन्ने लोकां नूं समझ आई आ लिखा ताड़ ते शिटी पुत दिंदियां हन पर जिहड़े बालक बेमुहारे छड्डे जांदे हन उह अपने मां लई नमोशी लिआउंदे लिआउंदा है हुण नमोशी दा मतलब किन्ने लोक जाणदे आ हालेलुया जिहड़े बंदे गलत करैक्टर दे विच आ ध्यान नहीं दे रहे अपने स्पिरिचुअल फादर की भी इज्जत नहीं वेंदे तो समझ लो भी वह बेमुहारे छड़े आ बेमुहारे का मतलब संगल लत्था वा वह बकरी होंगी ना जिथे मर्जी मूँह डह पी मारन जितों हरिया वेंदी उधर मूँह मार दें पर असी बकरियां नहीं किन्ने लोग सुनते शैतान बकरी आ उहदे लोग बकरी आ बाइबल च लिखा जिहड़ी मेरी भेड़ आ वह कभी भी पराए दे मगर किन्नियां भेड़ां है जगह दे सारियां भेड़ां देख लो ताड़ी पहचान होनी मेले मुले दे कदे उत्ते पता होंदा भेड़िया भेड़िया जब प्रोग्राम आवे ना विआह दे फिर भेड़ दा पता लगदा उधर पास्टरां नूं सद लैंदे आ फिर बकरियां लुकदियां विचारियां ले फिर अज ते मेकअप भी बड़ा लाया भजदियां फिर अगे लग लग के तां ही क्या परमेश्वर दे वचन लिखा शैतान कटदा चराउंदा ते की करदा प्रभु आंदा मैं तुहानूं चौखा जीवन देण वास्ते किया जिन्होंने नाराज करने उन्हें चौथा जीवन जाना जिन्होंने खुश कर रहे हो देखा झूठा तो झूठा का की है झूठा कहता आ कर ला इदा कर लो कोई नहीं दास ने की कहना प्रभु ने कहना प्रभु तो कहता दास ने कहना जो भी कहना पोतू तो मैं ही किया
अज 99% लोगों के बीमारी का कारण की है उन्होंने अपनिया अपनिया मर्जियां गॉड्स प्लैन ते मैनस प्लैन किन्ने लोग जानते हैं किन्ने लोगों को पता गॉड्स प्लैन मैनस प्लैन मगर प्रभु के प्लैन प्रभु दी योजनावां ते बंदे की अपनी योजनावां यशायाह च की लिखा आता ताड़ी सोच कुछ है ते मेरिया सोचा ते मेरिया सोचा वड्डिया ताली कल एक ब्रदर आए साढ़े को रोड़ी तो रिश्ता आंडिया सी इन्हां दे बेटे नूं जम्मू तो प्रभु दी आवाज़ है कि नहीं करना उन्होंने इतने वचन सुनिया उन्हूं दिल च रखिया तो उन्हां घर जाके कहा कि नहीं आप कोई भी चीज़ लैनी सब तो पहले अपने दास नूं की करना प्रभु ने कहा नहीं ये नहीं होना फिर प्रभु ने कहा जेहड़ा नैक्सट दूसरा वा ये होने वास्ते जा रहा वा मैं कल वेखो सुनो जरूरी नहीं भी मैं इतने बोलदा जाओ जिथे मर्जी लै जाओ उत्थे भी प्रभु क्योंकि प्रभु हर वक्त साढ़े की है कि बोले ना मैं छड्डांगा ना यह झिड़का बचन कहते तुहाडे नाल भी गल करेगा तुहानू भी उद्यमी बनावेगा कि लिखिया जिन्हां नाल मैं प्यार करदा उन्हां नू ताड़दा कि होर भी उद्यमी की होण ते तौबा की आ ते जिहड़े तौबा नहीं कर रहे उन्हां दे वास्ते वाज जे भराओ जिंदगी का पता नहीं कितने आमीन हो जानी जे अपनी जिंदगी लई सीरियस हो आमीन हुण समझ लगी कि नहीं लगी बच्चों की करना लोरियां देनियां नहीं बच्चों हालेलुया कितने लोग सुनते हैं मैं क्या बच्चों नूं लोरियां देनियां 13:24 भी पढ़ांगे आपां सब ध्यान दे के सुनो सुलेमान दी कहावत 13:24 लिखिया जिहड़ा पुत्र उत्ते सोटी नहीं चलाउंदा उस दा वैरी है पर जिहड़ा उस नाल प्यार करदा है उहनूं वेले सिर ताड़दा है सब बोले की लिखिया बाइबल च लिखिया कि जिहड़ा अपने पुत्र ते सोटी नहीं चलाउंदा हुण एवें ना सोटी चलाई जाओ भी पास्टर ने कहता सोटी चलाउणी उह चंगा होवे तां वी सोटी चलाई जाओ है सोटी चलाउंदा मतबल जे उह गलत लोकां च खलोंदा गलत संगति च खलोंदा ते फिर आ उहदे वास्ते थोड़ा डंडा भी की करना बाइबल च लिखा जिहड़ा पुत्र उत्ते सोटी नहीं चलाउंदा उस दा वैरी है हुण चेता करो जे तुसी उहनूं नहीं डकदे मोड़ां तो नहीं डकदे गलत लोकां चो नहीं डकदे बुरी संगति चो तो समझ लो तुसी अपने बच्चों के वैरी जे किन्ने लोगों को समझ आई है हुण अज तुसी ध्यान नहीं देना जो तुहाडे बच्चे विगड़ जाने आ मान लो मेरे भी फिर लैण लगी हुंदी आ परमेश्वर के दास को जाइए ले हैंड कराइए साडा बच्चा की हो जाए सुधर जाए बंदा पुछे हुण तू विगाड़ के सुधारन आ इहनूं विगड़न तों पहले की करना सी ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤਾਲੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਹੋਸ਼ ਖੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਤੁਮ ਸਦਾ ਜੇ ਦੁਆ ਗਏ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਹੀ ਸੁਣੋ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ तो खुदा दे दास ने प्रचार किया कि कह रही जवानी मेरी रोलती तेरे ला रहे ने की सिखाउंदे बच्चे नूं बबैला च फड़ के नाल आप सिखाउंदे छोटी जी बच्ची की कहंदी जवानी रोलती मेरी जवानी रोलती तेरे ला रहे ने की लै रहे आ अपने मूँह तो की लै रहे कर्ज कर्ज जो भी कुछ घर च वेंदे पहले वेख्या करो बोलना की ते ही बोलन की डे बस मेरे जीजू अज तां ही लिखिया प्रभु दे दास कहंदे कि 2 घंटे वचन सुन लो ते 15 मिनट की प्रेयर तुहानूं चंगा की आ क्योंकि चंगे ना होण दा कारण बाइबल ही जिहड़ी है नहीं अंदर जिहड़ियां गल्लां रोकणियां उह रोकियां नहीं जिहड़ियां नहीं करनियां उह करणे आ जिहदे को डरना उहदे अगे बोलण दे जिहदे को नहीं डरना उहदे को ही डर की आ फिर कहिड़ी चीज़ की लोड़ आ मैं 2 घंटे वर्शिप कीती आ मैं 2 घंटे तुहानूं बाइबल दे दिए ना ते 15 मिनट प्रेयर तुहानूं चंगा की आ इहदा मतलब की सब तो पहले बाइबल पढ़ पढ़ के अपन कमियां अपने जीवन चो की करना क्लीन वो होंदा ना एक मोबाइल दे विचो सफाई करने वाला क्लीनर मास्टर क्लीनर बूस्टर कुछ होंदा वो पाओ अपने अंदर तो वचन जी तुहानू अंदर तो की करेगा किन्ने लोगों ने समझ आई आ समझ लग रही भी हालेलुया की लिखिया अज का जो मैसेज है बच्चों का ज्यादातर कि बच्चों बंदे बना दो नहीं तो वाला कर देना जिन्होंने काम खराब की लिखा आता जो पुत्र सोटी नहीं चला उसका वैरी है कि लोग सुन रहे
जेड़ा अपने बच्चे नू शड़ी नहीं ना मारता तो शड़ी एवं नहीं मारनी हो बैबल पढ़ने लगे तो भी गाल कट दो वो प्रेयर करने लगे तो भी गाल कट दो सब लोग ताड़ी ताड़ी ऐसी तैसी प्रभु ने करोनी जे क्योंकि जेड़ा ऑलरेडी प्रभु का बच्चा उन्हें चिड़क की लोड़ नहीं है की लिखा कहता जेड़ा उहदे नाल प्यार करता उन्हें वेले सिर की कर देंदा कि किन्ने लोग अपने बच्चे ने प्यार करते दिखाओ दिखाओ हाथ अपने सारे करते हैं तो हुण की करना फिर पहले नंबर से तो माँ प्यो टाइम ही नहीं है बच्चों वास्ते है ही नहीं मैनू बड़ी बार झिड़का पैंदी है प्रभु कहते कि लोगों के जाना वा इधर भी जाना तो इन्हों के लागे किन्ने पैना वेखो झिड़क पर मैं सब तो वड्डी गल जिन्हों आवाज ही नहीं आती तो उन्होंने की पता प्रभु मैनू की कह रहा ना तो बाइबल नूं उन्हें पढ़ना तो ना ने प्रभु की आवाज ही सुननी है हालेलुया आवाज के बारे किन्ने लोग जानते हैं जे परमेश्वर की आवाज नहीं सुनने अज के लोग मर जाते हैं बड़े लोग प्रभु की आवाज नहीं सुनते वो मेडिसन खानी बंद कर देंगे प्रभु ने बोलिया मेडिसन ना खाओ इधर मैं मेडिसन नहीं खानी प्रभु ने कहा वा कि मेडिसन नहीं खानी एक बने प्रेयर भी ना आवे पेंटिकोस्टल जेडे कुवारे होंगे ना आ जेड़ा चर्च इधर कत्थू नंगल रोड दे वो मरनो मर जाते पर दवाई नहीं खाते मर जाते पर दवाई हुण इहनू आपां की समझांगे सही गल के गलत आ तुसीं की दस्सो तुसीं की कहिंदे जी गलत के सही आ तुसीं दस्सो है पहले भैणा बोलो गलत के सही आ भाई सोच के जवाब देना उधर नकल नहीं मारनी तुसीं सोचो सही के गलत आ गलत गल आ वैरी गुड सही क्या गलत गल आ क्योंकि वेखो एक भैन सी इधर अपने साइड च रहने वाली सी दबुरजी की भैन सी इधर दबुरजी ना सुइयां दे नाल ना प्रेयर ना कोई वचन का पता ना कोई पता नहीं की बीमार हुई चार ग्राम खून रह गया उन्हें अपना ट्रीटमेंट ही नहीं कराया मैं दवाई नहीं खानी जो प्रभु की मर्जी लाओ ये किदां दी गल हुई परमेश्वर कभी मारता ता ही क्या प्रभु बुद्धि दे नाल भी चलता सी ते प्रभु आत्मा दे नाल भी की करता सी तुसी किदां दे बना हालेलुया मेरे भैन भरा वेखो जो तुहाडे डैडी नूं हार्ट अटैक वो कैमरे वाला कितने चल गया आ जा भरा कैमरे च बैठा लगता चाह पीन लै पे अंदर जाके इधरों निकलिया ही उत्ते गल्लां टल डे उन्हें मारन कोई हाल नहीं करना यार तो मैं बहुत दुखी हाँ सही है माँ प्यो तो दुखी मैं तो ज़्यादा ही दुखी ताड़ी आदत मैनू भैड़िया लगदियाँ तो माँ प्यो रोंदा होना भी जम क्यों पे जे बच्चा सही ना कम करूँ माँ भैन दिनों हूँ कई वेखो कई चार चार बच्चे होंगे आ तो जो चंगा काम नहीं आते दिनों चंगा कुड़ी की हो जाती कुड़ी की फिर भी सिपत तारीफ कर दो कुड़िया ध्यान दें इन्हें सगों रो पाना होता माँ प्यो दे वो सिस्टर ने वेखो मेडिसिन भी बंद करती सारा कुछ चढ़ता तो मौत हो गई किन्ने लोग सुनते हैं क्यों हुई प्रभु ने मारिया बाइबल दे विच लिखा जो हिचकिचा राजा दे फोड़ा निकलिया कैमरा नाल नाल घुमा दे जो हिचकिचा राजा दे फोड़ा निकलिया किन्ने लोगों ने पता बाइबल दे विच लिखा उत्ते परमेश्वर ने की बोलिया यशायाह नूं प्रभु ने कहा जा जा कर नूं दादे कि हुण तेरे जिंदगी का समा समाप्त हो चुका अपने बच्चों के उपर सारा की कर बोझ पा दे तो हुण तू मेरे को वापस किया लिखा को रोया जो तो कंधल मूह करके रो रहा परमेश्वर मैं तेरे ना वफादारी ना चलिया मैं पूरी जिंदगी तेरे ना फेथफुली चलिया ये की कर लगा परमेश्वर लेकिन यशायाह कह के जो तो वापस आ रहा राज फिर प्रभु ने की बोलिया कि जा उन्हें फिर दस गया कि मैं तेरी जिंदगी च 15 वरे वधा किया हुण ताली मारो पंजाबीओ सही गल है क्योंकि पंजाबी नहीं समझ लगती है फिलीपोत क्या है फेथ राइट फ्लांटिंग पता नहीं पापा जी की कही जाते हैं पास्टर कंट्रोला कहता एक बार मैं बोलिया करैक्टर 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 आता कोई जनानी दी पता नहीं की पापा जी ट्रैक्टर ट्रैक्टर कही जाते सही गल जड़े उत्ते जाते ना कही जाते सिर तो की हो गया बचाले फिर भी चल जाने यार शायद प्रभु का प्रभु ने तो करना ही आ भावें हिंदी है भावें जो है जो भी विश्वास ना जा रहा होएगा पर मैं पंजाबी पता क्यों ज्यादा बोलता कि सारे नु समझ की हो जाए ये तो भी ज्यादा ठेठ बोल सकता ये तो भी ज्यादा किन्ने लोगों नु समझ आई आ लिखा जो परमेश्वर ने अपने दास यशायाह नु फिर कल्या के जा उन्हें गुड न्यूज दे गया कि तू रोया तू मेरे ना वफादार मैं तेरी जिंदगी च 15 वारे होर की कर दिते क्यों वो दवा नहीं करता ना वो रोचा नहीं रखता ना वो टाइम सिर चर्च नहीं आता ना
ਤਨਾ ਤਾਣ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਤਨਾ ਤੋਬਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਬਸ ਸਕਦਾ ਹੀ ਹਲੇਲੂਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਾ ਤੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀ ਆ ਖੁਦਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੁਣੋ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਬੜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰੇਗਾ ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਪ ਤੇ ਬਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜਨ ਦਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਮਰਕਸ 16:16 ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਾ ਕਰੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਡੰਗ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਗੇ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਗੇ ਬੋਲੋ ਬੀਬੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਉਹ ਚਰਚ ਵਾਲੀ ਕੁਝ ਬੋਲਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਡੰਗ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਲੂਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਚ ਵੀ ਗਾਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਆ ਇਹ ਭਲੇਖਿਆ ਜੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਉਹ ਡੰਗ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗਾ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਮਰਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਟਸਐਪ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਭੇਜਾਂਗਾ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਪ ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਟਾ ਤੱਕਾ ਅਜਗਰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਕਿਹੜੀ ਐਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਐਤ ਪੜੋ ਪਿੱਛੇ ਮਰਕਸ 16:18 18 ਐਤ ਤੋਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਉਹ ਵੇਖੀ ਵੀਡੀਓ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਿਆਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਇਆ ਪੰਗੇ ਲੈਣ ਆਇਆ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਸੁਣੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਜਗਰ ਫੜ ਕੇ ਡਿਆਜ ਕਰਨ ਆਇਆ ਠੱਕ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਵਾ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕੀ ਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾ ਖੁਦਾ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਜਗਰ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚ ਦੇ ਲੋਕ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਇਹ ਚ ਕੀ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਕਿੱਧਰ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਜੇ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਰੰਟ ਆ ਫੜ ਲੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਚਰਚ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਮਿੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਨਾਲ ਭੈਣ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲਾ ਆਤਮਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੁੱਧੀ ਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਈ ਚਿਹਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਪੀਓ ਲਗੇ ਅਸਰ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਣੇ ਚ ਮਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਜੇ ਜਾਣ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲੈ ਭਰ ਲਿਆ ਹੀ ਗਲਾਸ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੁਣ ਵੇਹਨਾ ਜੋ ਤੂੰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਖਾ ਤੇ ਛੇਤੀ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਖਾ ਤੇ ਛੇਤੀ ਕਰ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਫੇਥ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਅਕਲ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਅਕਲ ਵਾਲਿਆ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਤਾਓ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਚੱਲੇ ਗਿਰ ਜਾ ਤੇਰੇ ਦੂਤ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਦੇਣਗੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਤੇ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਜਣੇ ਉਹ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਆ 70-80-100 ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 64 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 55 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ ਭਾਈ ਆਮੀ ਕਦੀ ਵੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰੋ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਫਸਟ ਜੀ ਦਵਾ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਵਾ ਤਾਂ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇ ਲੈ ਟੀਕਾ ਤੇਰੇ ਚੂਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਤੇ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਟੀਕਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਲੋ ਲਿਆਓ ਮੈਂ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਭਰਾ ਮੈਂ ਹੀ ਬੀਪੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਜੁੱਤੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਘੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ ਇੱਕ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸੀਂਦਾ
एक बंदा घड़िया बना हूँ तुम बुद्धिमान बनना हूँ जी जुत्ती चुक के आप दे आइए घड़ी वाले जुत्ती वाले दे आइए घड़ी की गलो बना देंगे बोलो बस यो फर्क जो ताडे मेरे बच्चे जिन्हें लोग सुनते समझ आई अपनी बुद्धि तो कम लो कहले बंदा मारने लगा पास्टर जी चिंता कर दो इनू मैं क्या भरावा जो तो जिंदे होंगे टाइम उदो कोई लोग चर्च वाल ध्यान उदो नहीं देंगे हूँ किन्ने लोग तुरे फिरते सानू टेंगा मार के दिखाते हैं करके टेंगा टेंगा मारते भी हो गए ठीक हूँ तेरे चर्च मैं कहना कोई नहीं पुत मैं तेन कुछ नहीं कहना तेन एक दिन चार जने चुक के इतने लैके उड़ जे तुसी एक बार चंगे हो गए की गल अगली बार बीमार नहीं होना अगली बार प्रॉब्लम नहीं होनी बड़े लोग जो सू फोन ऐड कराते भी नहीं प्रेयर कराई जाएंगे जो ठीक हो जाएंगे बच्चे गवाही नहीं देना हूँ जी फोन ही ना चुकीए तो भी उन्हें कहना लै भरा चंगा पास्टर जरा घड़ी फोन ही नहीं चुकता तो मैं कहना वो फिर किदा जे चंगे हो गए गवाही नहीं देना मैं भी तो यह गल कह सकता अज का जो मेन अपना टॉपिक की आ कि जे शायद जे दोबारा जे हिस्की जा राजा की आयु पड़ी आ प्रभु ताड़ी भी बतावेगा जे बुद्धि के नाल भी चलोगे तो जे आत्मा के नाल भी किन्ने लोगों ने समझाई हूँ उन्हें इस गिरते को डंग मरवाया वो पलूस की कहता जो तो संत पौलुस ध्यान दे के पढ़ते की कहता बहुत सारिया गल् जो बैबल जो ध्यान दोगे उन्होंने तुम समझ लगेगी असी बुद्धि के नाल भी चलना अभी समझ के नाल भी की करना आत्मा के द्वारा भी की करना तो जो तुम अपनी मर्जी करो कोई नहीं परमेश्वर परखो प्रभु आ कर प्रभु नहीं ताड़ा एक एक केस जिदा का भी है ना तो वचन एक एक वचन होना चाहिए फिर खुदा तुम गल करेगा जो ता केस कोई है बाइबल कितने पढ़ने पता नहीं पढ़ने भी डेग नहीं पढ़ने मान लो अच के एक भैन को बच्चा नहीं है वो कड़े वचन चो प्रेर करेगी तुम दसो मैं जिन्होंने हाथ पता वह हाथ खड़ा करे मैनू पता हाथ उन्हें चुकने जड़े इतने मैनू पूरा ध्यान दे गए बस होर करो दसो जी भैन ने बच्चा लेना कि वचन पढ़ेगी जिन्हें घर लैना कि वचन पढ़ेगी जिन्हें चंगा जीवन साथी लैना उन्हें कि वचन पढ़ना की है सा दसो वो की गाँव दिया काश शैतान नू भजना की कह दिया आ ही सामने लगा ही शैतान नू मिलनी नहीं तां भजने नू त्यार गज की आ यसू दे दीवाने त्यार गजने नू तो यसू दे दीवाने नू तो बाइबल का नहीं पता दीवाने कहते यसू दे शैतान कहता चल तेरे एक चंड मारूंगा बाइबल तेरी कि रात बारह बजे तू सुता रहना खा खा के रोटियां मैं कई बार कहना एक पास्टर दुष्ट आत्मे कटन चल गया सुनो जो पास्टर कहा जो बोलना फायर वो मूँह चो चौल डिगण जो बोलना फायर 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 तो नाल ही चौल डिगण वो मूँह चो शैतान पता चल जा तीन दिन का वर्त रख क्या शैतान घड़ी चल तीन दिन का वर्त रख जो वर्त रख क्या रखे तीन दिन का फास्टिंग चौल चाल किए बंद होने खाने पेट पुट लग गया बेचारे दाल फिर आ गया तैयार हो गया पंप दे हो गया पूरा ला के दिता चल ओए निकल यसू दिन आ जाता तेरे कहने की लोड़ नहीं मैं आपे की इतने राति सुते रहते पास्टर जी रख दो हाथ चूला ठीक हो जाए प्रभु कहता चल चल भरा जा इन्हें नहीं हाथ रखना ये हाथ ना रखा मेरा हाथ ये तो की हो मेरे कहने का मतलब हीलिंग लैनी जान ना लैनी ये बस कि जे कलीसिया बोलो हूँ पास्टर भजन की लड़ नहीं है हूँ बाइबल पढ़ के जिते खलोते जे आई मीन बोलागा तुम ब्लैस हो जाओगे पर कि आलसिया नहीं आलसी ठंड बड़ी लगती है आलसी रात को प्रेयर नहीं कर सकता मेरे जीजो बरकत ताडे हाथ च आ पर तुम उन्होंने फेक काम नहीं करना आ रहा प्रभु ने ब्लैसिंग देती मैं कई बार कहना कि प्रभु ने क्रूस चुक ली हूँ उन्हें क्रूस नहीं चुकनी हूँ तुम चुकन की है एक पास्टर सी प्रेयर कर रहा जो तो प्रेयर करी जाए बंदर आन के उन्होंने बार बार तंग करे सुनो बंदर बार बार उन्हें छेड़े बार बार कहता परमेश्वर तेन देख नहीं रहा मैनू बार बार की करता प्रभु ने क्या कहा मैं तेन अधिकार की करते किन्ने लोगों अधिकार का पता लो जी वेख लो जी देख लो किन्ने लोगों अधिकार का पता आ रहे तीन जने अधिकार वाले तो बाकी पास्टर जी इधर चुक दो सहरे वालू चुक दो पेके वालू चुक दो इधर चुक दो इनू सुट दो इनू मार दो इनू ऐ कर दो बाकी कोई हल नहीं है मेरे कहन का भाव है कि जो चर्च आने ना इन्हें चर से तुम पास्टर बन जाना चाहिए
तालियां अपने लिए मार दो झूठिया, कोई हाल नहीं है। ए चर्च की गल नहीं आ, मैं इस चर्च की गल नहीं करता। मैं ना जिते बड़े 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 दास है, वह भी बेचारे खप खप के सिर तो वाल उड जाते, गंजे हो जाते, नवे वाल लवा लेंगे, फिर विक लवा लेंगे, ता भी लोग सुधरते। हुण करो तारीफ, सोर दी तारीफ करो प्रभु की। सिखाउण दी कमी नहीं बचियो, सीखण वाले बनो। सब तो पहले अंदर दीआं चीज़ां चेंज करो इनू, क्योंकि जिन्ना चिर ती अंदर तो बदलोगे नहीं तद तक खुदा ने कुछ भी जो बहन की गल लिया हैंड करवाते, मैं तुहाडे उत्ते चढ़ के बह जाणा, तां वी प्रभु ने कुछ भी। बड़ी देर की गल है कि खुदा का दास बाहरों आया सी फॉरन दे विचों, ते अज नाले मीटिंग होनी, पास्टर जी पास्टर सैमुअल जी उन्होंने मीटिंग कराई, उहदा नाम की जोनाथन, उहदा नाम जोनाथन पास्टर सी। तो जो सीढ़ी मारते ना करके मारदा सब चढ़म चढ़म लोग भुंजे डिग जाते, इन्नी तगड़ी सामर सी। तो उन्हें की क्या लोगों ने तराज बड़ा किया, यार जी के पास्टर को हाथ रख के प्रेयर करवानी ही। तो जो कोई गल कुड़ कुड़ खिच खिच जी चर्च चो वे पहुँच ही जाती होंगी दासों के कोल, भी आह गड़बड़ चल रही। अगले दिन फिर मीटिंग सी, सुनो हासे वाली गल, खुदा दे दास ने बोलिया कि कल बहुत भैन भरा नाराज हो साडे ते पास्टर ने हाथ नहीं रख्या। कहिंदा आ जाओ, आंदा मेरा 90 किलो भार जे है, बह जाओ आंदा तुहाडे उत्ते बह जाणा मैं, फिर भी उही चंगा होएगा जिन्हें गालां नहीं कढ़नियां, जिन्हें अज ही कहना भी मैं भैन वाल ये मेरी भी की आ, हुणे ओह नहीं आ हुणे भैन ही आ। तो समझ लो करैक्टर सैट ते गवाहियां ताली, करैक्टर सैट ते गवाहियां सैट। जिते करैक्टर बेकार आ ते प्रभु यीशु सिद्धा भी आण के हाथ रख दे तां वी लोग चंगे हो, बस फिर इहदा मतलब इही आ कि अज हीलिंग और डिलीवरेंस किस तरह ले जांदे आ अपने आप नूं बदल के। हाथ उत्ते ते ना मरवा लिओ, छड़ दो छड़ दो इहनां नूं छड़ दो, ये लोग इहनां वल ध्यान दो। उन्हें खिंचता चीर आ जाणा हाथ च, तुहानूं पता। आमीन। किन्ने लोगों ने समझ आई हुण, बैठ जाओ इधर मेरे वल ध्यान दो, बैठ जाओ तुसीं भी बैठ जाओ, थोड़ी देर रेस्ट कर लो। हालेलुया। हुण पास्टर दा 90 किलो भार कहिंदा रख देना, फिर विश्वास आ जाऊ। हुण मान लो एक पास्टर 100 बंदे की प्रोफेसी करदा, सुनो एक बंदा एक पास्टर 100 बंदे की प्रोफेसी कर देगा, हजारों के लखों की प्रोफेसी कर सकता वो। हालेलुया, कर सकता। फिर उन्होंने की कड़ी चीज़ फिर सैट करेगी, जिन्होंने पता सिर्फ अपना हाथ खड़ा करो, एक हाथ भैन भैन ने हरिंदरा ने खड़ा किया, होर कोई दो तीन चार होर। मान लो 100 बंदे की प्रोफेसी करती है, बड़ी वड्डी गल 100 की प्रोफेसी करनी, 1000 की प्रोफेसी नहीं कर सकती, तो लखां की कभी भी कर। तो लखां नूं वर्ड ऑफ गॉड देन दी की है, की है वर्ड ऑफ गॉड, खुदा दा लखां लोगों नूं भैन 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 नूं आ पढ़ाने नूं आ टिंगड़े नूं आ इहनूं आ। परमेश्वर कहता चल आए, इन्ना कफी दा नहीं है, बस प्रभु वे जाण के सारी डायरेक्शन नूं चेंज करी दा। किन्ने लोगों नूं पता उकाब दे बारे, किन्ने लोग जानते हैं। एक उकाब पंछी हुंदा जो नवा नवा उठता ना, उन्हें पौड़ा बेचारे जोर मारना पैंदा। सुनो नवे का मतलब प्रेयर ते बहना औखा, वचन पढ़ना औखा, 7 फास्टिंग कर गया, हाय ओए पास्टर ने 7 फास्टिंग कहते, मैं तो 5 मिनट वाला भी नहीं हाँ। तो बेचारा इतना जोर मारता है करके, पर मारता है इधर देखो जोर मारता उठता जोड़ता। तो जो फिर उन्होंने उड्डना आता, फिर जो प्रेयर च जाता, फास्टिंग जाता, रोजियां जाता, बीच जाता, हिम्मत जाता, जो तो पता हूँ मैं लड़ना तो की करना, मेरी हैबिट हो चुकी हूँ मैं करना ही, तो फिर चल जाता अद समान च। फिर उन्होंने जोर लाने की लड़ नहीं, बस माड़ी जी डायरेक्शन की करता। इधर देखो इन्हें जोर लाना पे, जो भाजी के उत्ते नट गया, इधर देखो इतना पर मारदा फिर एन मजा लै रहा जिदा घूमता ना। कहन का भाव की कि जो नवा नवा मसीह का बच्चा आता उन्होंने बड़ी दिक्कत होती। पास्टर अंकर जी गल कह रहे कि जो कहते जो स्टडी से गए, जो सीखन गए, तो कहते उत्थे जो सानू 9 to 7 to 9 सानू प्रेयर करनी पैंदी, मतलब 2 घंटे जिहड़ा साडा स्पिरिचुअल फादर लवाउंदा ही। कहिंदा अई 4 दिन प्रेयर करनी, अगले जिहड़े 3 दिन बड़े औखे कढ़ने यार, प्रेयर 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 यार, रोजा प्रेयर रोजा प्रेयर यार प्रेयर। आंदा कहले ही कहना इत्थे गड्डी वज जे कोई ते बहाने ने वेखण वास्ते बाहर नूं की हो जाइए। वेखो अज कित्थे आ ओह दास, अरबां ते खरबां कित्थे चल गया। एक दिन आप मरीज सी, कुत्ते ने कट्टिया,
सारे थां ते मैं घूम लिया, सब थां ते घूम आया, पर हुण मैनूं पता हुण चर्च रह गए, हुण मैं उत्थे की करना। ते चर्च ही है जिहड़ा बंदे नूं बंदा की कर दिंदा, यही आ ते यही आ। इधर देखो पास्टर जी कहिंदे मैं बड़ी ली हैंड कराई, सुनो सुनो सुनो, बड़ी ली हैंड कराई, बड़ा कुछ किया, कहिंदा पर मेरी बीमारी ठीक नहीं हुई। कहिंदे एक लेडी मीटिंग में वेखण डिया, एक लेडी प्रोफेसी कर रही, इत्थे अंकुर नाम दा एक बंदा परमेश्वर दा आत्मा नूं छू रिहा, अमीन अमीन मजाक करता था, अमीन भी मतलब हादसा ही भी छत्तियां थावान तक हो गया, क्या मैं कितों ठीक होना। वो एक सिर में पेन निकल दर्द निकलती सी, कहता जो मैं अमीन बोलता, ठीक है सिस्टर जी मैं अमीन बोलता, कहता मैं जो बीमारी चेक करके जाके वेखी ना, 1% भी ठीक नहीं हुई, इन्ना जिन्ना भी फर्क नहीं पा, पर कारण की ही खुदा की आवाज़ आ चुकी ही, वो प्रभु ने समा की कर दिता सी, ठहराता सी। आता फिर मैं टैरिस के उपर जाके, सब तो उपर टैरिस कहता, सब तो उपरली जी मंजिल सी उत्तर मैं प्रेयर करनी, आई लै कहता सारा लद देना सिर के उपर, हाथ रख के प्रेयर करनी, परमेश्वर की आवाज आई, अंकुर तेरी जी दर्द जा रही है। 4 दिन 2 दिन नहीं गई, तो 5वें दिन का पता नहीं दर्द किधर न क्यों गई। वेटिंग वेट है तो की है, सारे बोलो वेट है तो। अज लोग वेट क्रिएट नू नहीं जानते, आते अज ही आए हाँ, पास्टर फूक मार दे मैं चंगा जा, मैनू बच्चा मिल जाए, मैनू घर मिल जाए, आया तो कम कटाने, प्रभु का बच्चा थोड़ी है। तनु इन्नी गल तो समझ होनी चाहिए आ, प्रभु क्रिएट करेगा। आमीन, सब जोर की तारीफ करो प्रभु की। जे लैना वा तो कुछ अपनी आदत बदलो, क्योंकि लैन वाले का भी मन हो, देन वाले का भी मन की हो, सहमति होनी चाहिए ना। बाइबल से जो ध्यान दे के प्रभु के वचन पढ़ते, इमोस तो तीन की तीन, किन्ने लोगों ने पढ़ी अमोस 3:3 की आ, तू हथ खड़ा कर ली, याद नहीं है इसलिए हथ खड़ा किया, भी याद नहीं है ठीक है। अमोस 3:3 च लिखा, सुनो ध्यान दे के, एक पिछली साइड तो हथ पढ़ो अमोस, एक जशाया पढ़ो, फिर आप समाप्ति कर जाने, क्योंकि इतो गड़ी नहीं, मेरा टाइम हो चुका, क्योंकि गवाइयां भी हैं, उस बाद खाना भी है, सब ने खाना। अच्छ किन्ने लोग फास्टिंग करके आए हैं, हालेलुया, फास्टिंग प्रेयर च किन्ने भाई, भरावा मैनू तुहाडी नहीं समझ लगती की करोगे। हाँ जी अमोस 3:3 पढ़ दो, ये उन्होंने लोगों लिए जेडे लोग चंग्याई चाहते हैं, क्योंकि चंग्याई तो पहला, चंग्याई पाउन तो पहला असी प्रभु के तालमेल च की करना। देखो वचन की कहता, तुसी चंगे होना तो बरकत लैनी, तुसी कुछ भी लैना, जे बंदा ते भैन ते ब्रदर आ वह भी ताई कट्ठे रह सकते जे सहत दे नाल सहमत होणगे। भला दो जने इकट्ठे चलणगे हाँ, जे ओ सहमत ना होण। हालेलुया, ओ किन्ने लोकां नूं समझ लगी भाईओ, परमेश्वर दा वचन कहिंदा भला दो जने चलणगे जे उहनां च सहमति ना होवे, कदी चल सकदे आ। हुण एक बंदा रोजा नहीं रखता, एक बंदा दास की गल नहीं मनता, एक बंदा पंजाबी गाने नहीं छड़ता, सब टोलियां टालियां चेक करता, ते परमेश्वर कर दे, परमेश्वर कर दे। प्रभु कदी भी करैक्टर, प्रभु ताडे चाल चलन वेख के ताडी जिंदगी च बलाहट ताडी बरकत नूं वधाउंदा, ते जे ताडा चाल चलन गलत आ ते प्रभु कदी, तुसीं चर्च बदली जाओ, बदल दो जिन्ने मर्जी तां वी खुदा आशीषित, क्योंकि चर्च बदलोगे बाइबल नूं तुसीं कदी नहीं बदल सकदे। कोई हिंदी च पढ़ता, कोई इंग्लिश च पढ़ता, कोई पंजाबी च पढ़ता, वर्ड उही आ, बस बंदे नूं सुधरना पैना। और खुदा तुहानूं ब्लेस, की लिखिया कि उन्ना चिर की लिखिया, फिर तो एक बार रिपीट कर दे। हाँ हाँ, भला दो जने इकट्ठे चलणगे, परमेश्वर प्रभु यसू ते एक विश्वासी कितना दोवे इकट्ठे चल सकते भी, किन्ने लोगों नूं समझ आ रही आ, परमेश्वर प्रभु यसू ते विश्वासी दोवे इकट्ठे कितना चल सकते, लिखा भला दोवे इकट्ठे चल सकते, जो गाला कटदा होवे, जो पैक लाउंदा होवे, जो डीजे ला के भंगड़े पैंदे आ, डांसरां तों पैसे उड रहे आ, वो खुदा नाल चल सकदा भी।
बोलो इतने बड़ी सख्ताई भरा इतने नहीं आना बाद च साडा पास्टर ते डकदा नहीं आता जो मर्जी करी जाओ तो पास्टर नूं कहना लक ते रजाई भी की करना भाई तेरी रजाई भी डाउनी उन्हें तेरी रजाई सने पाड़ देनी उन्हें डंडे मार मार लो ये क्योंकि कलीसिया नहीं जानती पर पास्टर जानता जे कलीसिया नूं सही प्रीचिंग नहीं मिलेगी तो पास्टर की ऐसी की तैसी हो जाएगी जिन्हें लोग सुनते किने लोग सुन दे पास्टर गलत प्रचार करेगा तो मरना कहने कलीसिया ने नहीं पास्टर ने नहीं तो हिजकीएल नूं जदों 33 नूं पढ़ोगे ध्यान दे के बाइबल दे विच लिखिया कहिंदा राखे की जिम्मेवारी जे राखा तलवार आउंदी वेंदा तो थले लोगों नूं चौकस किया आंदा जे उन्हां विचों कोई भी मर गया तो राखे को लिया किया लिखिया राखा जदों नरसिंह फूकता लिखा जदों नरसिंघा फूके तो जे लोग थले तैयार नहीं आ आवाज नहीं सुनता लिखो अपने औगण च मरेगा तो उहदी मौत दा सजा उहदे उपर आ भी की आ ये तो विश्वासी की गल आ ते पास्टर की गल आ जे पास्टर बेचारा खपता भैन जी आ कर लो भाजी आ कर लो भाजी आ छड़ दो तू मजाक करता तू अपने काम जापे फस गया बाइबल च लिखा चुस्त चलाक आदमी एक दिन अपनी चलाकी जापे की हो जाता उन्हों डाउन की लोड़ नहीं होंगी आपे की हो जाता मेरे नाल दा पास्टर कोई नहीं मेरे नाल दी भविष्यवाणी नहीं कर करता और मेरे नाल दा कहता कोई नहीं प्रभु नूं पता होने कमांड विच की हो गया बाइबल च लिखा जो महिमा होंगी आ तो सब तो पहले अधीनगी होंगी आ तो जो बंदा डिगता तो सब तो पहले उसके जीवन च कमांड की है पता लगा डायलॉग का वाह कोई हाल नहीं साडे चर्च का ढिले मटिले जे बंदे ना इन्हां च गाउण का मजा आउंदा ही तो चर्च पता नहीं सही गल मैं ना इन्ने स्ट्रोंग बनो ना तो फास्टिंग करते ना प्रेयर करते ना तो खुशी होंगी भाई टाइम सर ही चर्च जाना हौली हौली आना इन्हें पहले कम कुम चंकी तरह घर में साफ सूफ करके फिर इन्हें कहना चल हड़ माड़ा जहाँ मूँह भी पास्टर विखाइए कि नाराज ही ना हो जाए नहीं नहीं मेरे चीजों इदा नहीं परमेश्वर की हजूरी में जो खुदा तक ब्लैस करके मेरा दूसरा वचन होगा जिशाया अच्छ सवेरे जो मैं तुरन लगा मैंने प्रभु ने कहा मैं खुदा अज का वचन की बोलेंगे प्रभु ने कहा जिशाया तीन की तीन बारे कि लोग जानते हैं जिशाया तीन की तीन वो चुनू मनुओ जिशाया तीन की तीन की कहती है बलद अपने मालिक खोता अपने साई की खुरली की करता जे तुसी पछाणदे जे 12 बजे वाले हो 2 बजे वाले हो 4 बजे वाले हो सुधर जाओ अपनी बरकतां नूं ब्लॉक करना ते करी जाओ टाइम से रहोगे ते टाइम वाली आमीन हाँ हाँ जिशाया जल्दी जल्दी हुण ध्यान दे के सुनना मेरियां दो लाइनां उस तो बाद मेरे 7 पॉइंट आ उस तो बाद समाप्ति आ उस तो बाद टेस्टिमनी शुरू होएगी खाना खूणा खा के जरा जे पूरा ढिड इत्थों तक भर के जाणा हां ਕੀੜਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਿੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟਿੱਡ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਬਲਦ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਤੇ ਖੋਤਾ ਆਪਣੇ ਸਾਈ ਦੀ ਖੁਰਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਇਸਰਾਇਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਆਮੀਨ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਲਦ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੇ ਖੋਤਾ ਆਪਣੇ ਸਾਈ ਦੀ ਖੁਰਲੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਹੱਥ ਲਾਓ ਮਤ ਬਲ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਫਾ ਕੀ ਆ लिखा बलद अपने मालिक नू ते खोता अपने साई की खुरली नू की करता किन्ने लोगों ने समझ आ रही पई मैं वर्ड दे रहा तुहानू कोई समझ लग रही हुण इह जगह ते लिखा कि दोवें जानवर आ पर वफा की आ अपने मालिक ते की आ हालेलुया ओ वफादार है कि नहीं पई तुसी क्यों नहीं वफादार रोजे आंदे तुसी क्यों नहीं वफादार दान देंदे तुसी क्यों नहीं वफादार इत्थे दरियां विछाउंदे समझ आई मसीह दे लोको जे सही तरीके नाल चलोगे ते तुहानू मैं दसांगे मैनू कहण दी लोड़ नहीं प्रभु भैन नूं आ दे दे भाई नूं आ दे दे क्योंकि जे तुहाडा रिश्ता प्रभु नाल कायम आ ते मैं वचन देना प्रेयर करनी ते तुसी घर जांदे ही आशीषित हो गया इत्थे हो जाणा घर बड़ी दूर दी गल की लिखिआ वेखो जानवर हो के वफादार आ पर साडी वफादारी कित्थे आ फिर तो पढ़ो सिस्टर जी पढ़ो बलद अपने मालिक नूं अते खोता अपनी साईं दी खुरली नूं जानदा है हाँ जी, हाँ जी। पर इसराइल नहीं जानदा मेरी प्रजा नहीं सोचदी हाँ। हाय पापी कौम बदी नाल लदे होए लोक हाँ जी बुरियां दी नसल बुरियां दी नसल कुक
ਕਰਮੀ ਪੁੱਤਰ ਆਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਤੁਸ਼ ਜਾਤਾ ਹਾਂ ਉਹ ਉੱਕੇ ਹੀ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹੋਰ ਮਾਰ ਖਾਓ ਹਾਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਹੁਣ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਕਿਉਂ ਆ ਕਿਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆਂਦਾ ਬਲਦ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੇ ਖੋਤਾ ਆਪਣੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਖੁਰਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਪਰ ਇਸਰਾਇਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਏ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਲਾ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਈ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਲੱਗ ਗਈ ਇਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਗਈ ਸੱਚ ਗੱਲ ਆ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਵੇਖੋ ਮੂਸਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿੰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ ਇਸਰਾਇਲੀ ਨੂੰ ਆਪ ਮਰ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਟਾਨ ਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਢਾਂਗਾ ਕੀ ਕਰੀ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਰਫ ਚਟਾਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀ ਕਰੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਢਾਂਗਾ ਕੀ ਕਰਤਾ ਕਿੰਨਾ ਵਾਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਾਈ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਗਾੜੀਓ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਕੱਲੇ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੇਖੋ ਇੰਨੇ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਬ ਕੇ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇ ਵਰਸ਼ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਖੁਦਾ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਨੱਕ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਨੱਕ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੱਕ ਨੂੰ ਸੁਣਕਣਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਿਆ ਝਾੜਿਆ ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ ਭੈਣ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੋ ਟੀ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਸੌਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੇਖੋ ਚਰਚ ਇੰਨਾ ਇੰਨੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬੇਹੱਦ ਕਮੀ ਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਰਸ਼ਿਪਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਵਰਸ਼ਿਪਰ ਫਾਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਸਿੰਗਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗਾਉਂਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਸੈਂਡ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਫੋਰਨ 'ਚ ਭੇਜੀ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਭੇਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਟਰ ਹੈ ਬੰਦਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਏਂਜਲ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਹੀਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਹੀਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੰਗਿਆਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ